आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सब्जेक्ट कोड इज EEECOM402C, मीन्स दिस पेपर इज रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ MCOM सेमेस्टर 4। एंड द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट अप्रोचेज है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन इज यूज टू डिनोट ए स्पेशलिस्ट एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड स्टडी विच इज कंसर्न्ड विद द पार्टिकुलर सेट ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विद रेगुलेटिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं मीन्स एसोसिएटेड विद द मैन, जैसे हम लोग को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पांच फैक्टर्स का होना कंपलसरी होता है, जैसे मैन, मटेरियल, मनी, मेथड और मशीन, जिसमें मैन इज द एक्टिव फैक्टर। और मैन के बिना, इन द एब्सेंस ऑफ मैन, अदर फैक्टर्स आर मीनिंगलेस। सिमिलरली देयर शुड बी ए गुड और फेयर रिलेशन बिटवीन द मैन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेवल्स पोस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजिशन, उनके बीच में रिलेशन अच्छा डेवलप होना चाहिए। दैट इज द मेन कोर इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्लाइमेट फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन आर इन द मोस्ट प्रैक्टिकल सेंस। मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन और एम्प्लॉय रिलेशन बोथ आर इंटरचेंजेबली यूज। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब हो गया जितने भी वर्कर्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, तो इस चीज के बारे में हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में बात करते हैं। दोनों को इंटरचेंजली यूज किया जाता है। तो मैनुअल वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि उनके बीच में जो एम्प्लॉयमेंट जो मिला है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन कैसा है, उसके बारे में हम लोग एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ते हैं। द टर्म मे बी यूज इन वेरी रिस्ट्रिक्टिव सेंस टू इंक्लूड ओनली द फॉर्मल कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। फॉर्मल रिलेशन मीन्स काम से काम, जैसे हम लोग बोलते हैं काम से काम, काम से मतलब रखना। तो काम से मतलब रखने से रिलेटेड जो रिलेशन होता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय इज द बेसिक रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और क्या रिलेशन होना चाहिए, तो फॉर्मल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हाउएवर इट इज डाउटफुल वेदर द टू अप्रोचेस कैन बी सेपरेटेड सो इजिली। इन फॉर्मल इंटरपर्सनल और ग्रुप रिलेशनशिप आर इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉर्मल कलेक्टिव रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट विद इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इंडस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेशन। एक हम लोग बोलते हैं फॉर्मल रिलेशन होता है, मीन्स रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, और एक होता है इंटरपर्सनल ग्रुप रिलेशनशिप, मीन्स फाइनेंस वालों का फाइनेंस वालों के साथ अच्छा रिलेशन होता है, मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग वालों के साथ अच्छा जान पहचान। मतलब इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है वो ग्रुप रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश होता है। लेकिन जैसे ही एक फाइनेंस और एक मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और एक एचआर मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर आपस में टॉक करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो इजिली इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत सारे अप्रोचेज हैं, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट तीन अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, यूनिटरी प्रोस्पेक्टिव, प्लुरालिटीज एंड रेडिकल और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये तीन प्रस्पेक्टिव्स है या अप्रोचेस है टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो चले एक बाई एक, वन बाई वन हम लोग इसको समझते हैं।
फर्स्ट वन इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव. यूनिटरी पर्सपेक्टिव इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटीग्रेटेड, इज फॉर्म्ड विद द इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ पीपल विद सिंगल अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड ए कॉमन सेट ऑफ वैल्यू इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव शेयर बाय ऑल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यूनिटरी पर्सपेक्टिव में ऐसा देखा जाता है कि जितने वर्कर्स या जितने लोग या जितने मैन, जितने एक्टिव फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटेड है या काम कर रहे हैं, उनका सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो उनका सारा ऑब्जेक्टिव सभी मेंबर्स के साथ शेयर होता है, सभी लोगों को पता होता है कि वाट दे हैव टू डू. मैनेजमेंट प्रोपेगेटिव मीन्स राइट टू मैनेज मेक डिसीजन इज रिगार्डेड एज लेजिटिमेट रैशनल एंड एक्सेप्टेड एंड एनी अपोजिशन टू इट इज सीन एज इरेशनल. तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा, ऑल डिसीजंस आर एक्सेप्टेड बाय द अदर मैन, अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका अपोजिशन नहीं किया जाना चाहिए. तो यहाँ पे अपोजिशन देखने को नहीं मिलता है. द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट देयरफॉर रिगार्डेड एज देम और अस सिचुएशन. यहाँ पे देम और अस सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मिलने देखने को नहीं मिलता है. देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ दोज सप्लाइंग कैपिटल टू द इंटरप्राइजेस एंड देयर मैनेजरियल रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज कंट्रीब्यूटिंग देयर लेबर्स. द ऑनर ऑफ कैपिटल लेबर आर बट कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर टू द कॉमन एम ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड पे इन विच एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए स्टेक. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तीन पार्टीज की बात की गई है. एक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, आपस में झगड़े नहीं होते हैं किनके आपस में. तो पहला जो कैपिटल एंटरप्राइज को देता है, तो कैपिटल कौन देता है, तो ऑनर मालिक. दूसरा मैनेजरियल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मैनेजमेंट है उनका. और तीसरा जो अपना लेबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब वर्कर्स. तो तीन लोग यहाँ पे हैं, एक मालिक, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर्स. इन तीनों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर के कोई आपसी मतभेद नहीं होते हैं, बिकॉज तीनों का एम एक ही होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो सैलरी समय पे मिलेगा. तो दैट इज़ द मेन एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनिटरी पर्सपेक्टिव. यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस भी है. पहला है कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज इरेशनल एक्टिविटी. मतलब आपस में अगर झगड़े होते हैं तो उसको यहाँ पे इरेशनल एक्टिविटी माना जाता है, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है. दूसरा है ट्रेड यूनियन एज रिगार्डेड एज इंट्रूजन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड विच कम्पीट द मैनेजमेंट फॉर द लॉयल्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं और ये मैनेजमेंट के साथ कंपटीशन करते हैं ताकि वो अपने इम्प्लॉयज के प्रति लॉयल हो सके. मतलब जो आप प्रॉमिस किए हैं दैट प्रॉमिस शुड बी फुलफिल्ड बाय देम. द यूनिटरी पर्सपेक्टिव इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली अमॉन्ग मैनेजर्स, पार्टिकुलरली लाइन मैनेजर्स, एंड देयरफॉर इज ऑफन रिगार्डेड एज मैनेजमेंट आइडियोलॉजी. तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इसलिए ये मैनेजमेंट का आइडियोलॉजी भी होता है. इसका आर्ग्यूमेंट फॉक्स के द्वारा किया गया है. फॉक्स आज आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट क्लिंग्स टू दिस व्यू बिकॉज मैनेजमेंट ऐसा क्यों देखना चाहता है, उसके पीछे रीजन है कि इट लेजिटिमाइज इट्स अथॉरिटी रोल बाई प्रोजेक्टिंग the interest of management and employees as being the same and by impassing management role of government in the best interest of the organization as a whole. तो यहाँ पे जो उनका authority, जो power to take decisions है वो बना हुआ रहता है और वो organization के favor में best decision ले सकते हैं. दूसरा, इट रीअश्योर्स मैनेजर बाय कन्फर्मिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट वेयर इट एग्जिस्ट इज लार्जली द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट रादर देन मैनेजमेंट. तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये एश्योर करता है कि जो कन्फ्लिक्ट होंगे, मीन्स कन्फ्लिक्ट इनके बीच हो सकता है, तो कैपिटल लगाने वाला मालिक के बीच में, मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर और लेबर कंट्रीब्यूट करने वाला
वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट गवर्नमेंट का होगा, मैनेजमेंट का नहीं होगा। इस कारण से भी ये यूनिटरी पर्सपेक्टिव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा है, इट मे बी प्रोजेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड एज अ मीन्स ऑफ परसुएडिंग देम दैट मैनेजमेंट डिसीजन एंड एक्शंस आर राइट एंड द बेस्ट इन द सर्कमस्टेंसेस एंड दैट एनी चैलेंजेस टू देम इज बेस्ड एंड मिसगाइडेड और एट वर्स्ट सबवर्ट्स। मीन्स वो बाहर की दुनिया के, मीन्स बाहर के लोगों को ऐसा बता सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया, जो एक्शन लिया गया वो सही है और बाकी जो भी चैलेंजेस है रिलेटेड विद द मैनेजमेंट आर नॉट गुड। तो ये पर्सपेक्टिव, यूनिटरी पर्सपेक्टिव था। सेकेंड हम लोग, सेकेंड पर्सपेक्टिव इज प्लूरालिस्टिक पर्सपेक्टिव। प्लूरालिस्टिक पर्सपेक्टिव में फॉक्स ऐसा बिलीव करते हैं कि प्रोबेबली रिप्रेजेंट द रिसीव ऑर्थोडॉक्सी इन मेनी वेस्टर्न सोसाइटीज एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद ए व्यू ऑफ सोसाइटीज एज बीइंग पोस्ट कैपिटलिस्ट दैट इज दैट देयर इज ए रिलेटिवली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर विद इन द सोसाइटी, ए सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट, ए सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड एन एक्सेप्टेंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बोथ स्पीयर्स। तो यहाँ पे प्लूरालिस्टिक में ऐसा माना गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश होता है वो मोस्ट प्रॉबेबली एक सोसाइटी में एस्टैब्लिश होता है और सोसाइटी को हम लोग अगर डिवाइड करें तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि जो मालिक है और जो मैनेजमेंट है बोथ आर डिफरेंट पर्सन, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है बोथ आर डिफरेंट। मीन्स मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग है, बाहर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो अलग है, इंडस्ट्रीज के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो अलग है। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बोथ स्पीयर्स, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम लोग अलग अलग ऐसा मान करके चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, दिस पर्सपेक्टिव इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल हु कॉल्स इनटू वैरायटी ऑफ डिस्टिंक्ट सेक्शनल ग्रुप ईच विथ इट्स ओन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड लीडरशिप। यानी यहाँ पे जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं दे हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड लीडरशिप। जैसे कुछ लोगों का ऐसा सोच के आते हैं कि उनको कैरियर ग्रोथ चाहिए, कुछ लोग ऐसा सोच के आते हैं कि उनको मंथली सैलरी टाइम से मिलना चाहिए। तो एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, तो इसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव बेस्ट है। द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज बीइंग मल्टी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव इन द टर्म्स ऑफ ग्रुपिंग लीडरशिप अथॉरिटी एंड लॉयल्टी एंड दिस gives rise to the complex of tension and competing claims with the which have been managed in the interest of maintaining a viable collaborative structure. The underlying assumptions of this approach therefore is that the organization is in a permanent state of dynamic tension resulting from the inherent conflict of interest between the various sectional groups and requires to be managed through the variety of roles, institutional and process. The organization, यहाँ पे तो organization जो है मल्टी स्ट्रक्चर है और कॉम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ ग्रुपिंग लीडरशिप अथॉरिटी लॉयल्टी के रिलेशनशिप में देखा जाए तो यहाँ पे कॉम्पिटिशंस है जिसके कारण टेंशन राइज होते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाए, कैसे लोगों के इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक साथ सभी के रोल्स को या सभी के व्यूज को ऑब्जेक्टिव को एक साथ मिला करके और चल सके। तो ये बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि प्लूरालिस्टिक पर्सपेक्टिव में सभी लोगों के आइडियाज ऑब्जेक्टिव और लीडरशिप को हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। The implication of this view for the nature of conflict and the role of trade union are very different to those of the unitary approach. The unitary approach में हम लोग जैसे देखे थे कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन pluralistic में हम लोग देख रहे हैं there are various person with various objective. तो हम लोग सभी लोगों को मिला के चल रहे हैं और वहाँ पे क्या था, सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही था। तो थर्ड वन हम लोग देख
रेडिकल और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट के अनुसार तो रेडिकल पर्सपेक्टिव विच इज ऑफन रेफर टू एज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कंसेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मार्क्सिस्टों का मानना ऐसा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश है वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एस्टैब्लिश होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एस्टैब्लिश हुआ है उसके अगल बगल में जो लोग रहते हैं दैट इज सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज सोसाइटी। तो यहाँ पे हाइमन आर्ग्यू करते हैं द एज्यूम्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम इज प्राइवेटली ऑन, प्रॉफिट इज द की इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी पॉलिसी एंड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन इज इन्फोर्स डाउनवर्ड बाय द ओनर्स मैनेजरियल एजेंट। तो इनका मानना है कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो एक व्यक्ति कोई मालिक के द्वारा ऑन किया गया, जो प्रॉफिट है वो उसका इन्फ्लुएंसिंग पावर है, मीन्स मोर प्रॉफिट होगा तो मोर इन्वेस्टमेंट करेगा, और प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम प्रोडक्शन करेंगे तो दैट प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द मैनेजेरियल एजेंट, मालिक का जो मैनेजर्स है उनके द्वारा कंट्रोल होगा थ्रू डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। मतलब जो टॉप लेवल होंगे वो मिडिल लेवल को ऑर्डर देंगे, मिडिल लेवल लोअर लेवल के देंगे। तो दिस इज द रेडिकल मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटीज आर्ग्यूज दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज द सोर्स ऑफ सोसाइटल चेंज, विदाउट सच कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी वुड नॉट स्टैग्नेट। मतलब जो यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब और सोसाइटी में आप देखेंगे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट के बिना ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी स्टैग्नेट मतलब स्थिर नहीं हो सकता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस प्राइमरली फ्रॉम द डिस्पैरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर विद इन द सोसाइटी। क्लास अराइजेस होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर कहने का मतलब है कि लेवल ऑफ इनकम, इनकम अर्निंग कैपेसिटी जो है किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है। तो जिसका बहुत ज़्यादा है वो बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा बाई एम्प्लाइंग एम्प्लॉय ऑफ कैपिटल, और जो कम है वो अपना लेबर इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों मिल करके और बिजनेस रन करेंगे। दैट्स वाई बिजनेस एस्टैब्लिश इन द ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी। और थर्ड है द नेचर ऑफ सोसाइटीज सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर डिराइव फ्रॉम दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड री इन्फोर्स द पोजिशन ऑफ डोमिनेंट एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल द थ्रू डिफरेंशियल एसेस ऑफ एजुकेशन द मीडिया एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बॉडीज। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों व्यक्ति के मिलने से ही ऑर्गेनाइजेशन या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अच्छे तरीके से चलेगा। दो व्यक्ति मतलब सोसाइटी का पहला व्यक्ति जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया, दूसरा जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं है लेकिन लेबर है तो वो अपना मेहनत मजदूरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के रूप में लगाया, और दोनों मिलके बिजनेस को चलाते हैं। और सोसाइटल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन वाट एवर फॉर्म इज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ अंडरलाइन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो हमेशा होते ही रहेंगे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव ये हमेशा रेगुलर चलते रहेंगे और ये सोसाइटी में हमेशा रहेंगे ही, रिलेटेड विद लेवल ऑफ इनकम के आधार पे देख लें या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के आधार पे देख लें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना हुआ रहेगा। आई होप दिस लेक्चर इज हाईली बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट ऑफ एम कॉम सेमेस्टर 4 ऑफ HRM स्पेशलाइजेशन। थैंक यू, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।